सिद्धार्थार्णम नमो सिद्धार्णम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम पंच परमेष्ठि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि पैसा पास हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लोग साथ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप अपने साथ रहें। क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत आती हैं तो आप ही आपके साथ रहते हैं, कोई और आपके साथ नहीं रहता। तो अगर आप अपने साथ रहते हैं और आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं, आत्मविश्वास के साथ रहते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, आपके साथ कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं। आत्मविश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस होना चाहिए आत्मविश्वास। बड़े से बड़े व्यक्ति को देख लो और जो हार चुका है ऐसे व्यक्ति को भी देख लो। वो जो हारा है परिस्थितियों से नहीं हारा, वो जो खुद से हारा है वो हारा है, जो खुद से हारा है वही हारा है। क्रिकेट देखा होगा आप लोगों ने, फुटबॉल देखी होगी, तो क्रिकेट की बात करता हूँ कि अगर सामने वाली टीम के खिलाड़ियों ने, ऊपर के खिलाड़ी जो बैटिंग करने वाले होते हैं, उन्होंने अच्छा नहीं खेला और 60 रन पर 6 विकेट हो गए, तो नीचे वाले वाले 4 क्या सोचते हैं। अगर वो खिलाड़ी तो ये सोचेगा कि हमको 30 ओवर खेलने का आज मौका मिला, आज तक मिला ही नहीं था, आज अपन खुद को प्रूव करते हैं। और जो अच्छा खिलाड़ी नहीं होगा वो ये सोचेगा यार ऊपर वाले नहीं खेले तो अपन क्या खेलेंगे। जबकि अगर नीचे वाला चाहे तो अपने आप को बहुत ऊंचा प्रूव कर सकता है। ये होता है आत्मविश्वास। मैंने कई बार जब एग्जामिन किया खेल का, तब मैंने बहुत सुंदर चीज़ देखी कि जो अच्छा खिलाड़ी होता है सिर्फ बैटिंग करना जानता हो और वो 0 पर आउट हो जाए, वो अच्छा खिलाड़ी जो बैटिंग करना जानता हो 0 पर आउट हो जाए, और उससे बॉलिंग तो बनती नहीं है, लेकिन वो भी मैच पलट सकता है अपनी फील्डिंग से, अपने माइंड से। तो ये सारा खेल जो है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का है। मैं एक बात बताता हूँ कि लोग आपको पसंद करेंगे ही, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। लोग आपको पसंद करेंगे ही, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। जब लोग आपको पसंद ना भी करें तब भी आप ठीक रहें, ये कॉन्फिडेंस है। एक दौर ऐसा आता है कि दुनिया आपके विपरीत रहती है, परिवार के लोग, मित्रजन, बिजनेस में, प्रकृति, कर्म, सब आपके विपरीत हों, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये रहे कि आप खुद को नापसंद ना करें। सब आपको नापसंद कर रहे हो, हर कोई आपको निग्लेक्ट कर रहा हो, फिर भी आप खुद को पसंद करते रहें, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है और यही आत्मविश्वास है। मैं अभी चिंतन कर रहा था दोपहर में कि वैराग क्यों आया। मैंने बहुत एग्जामिन किया तो वो समझ में ये आया कि आत्मविश्वास तो बहुत था लेकिन कुछ खोज बाकी रह गई थी, और वो खोज थी अपनी, खुद की। वो जो खुद की खोज बाकी रह गई थी ना, उसने यहाँ तक लाके छोड़ा है। होता ये है कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह दे ना तो आप तुरंत सोच लेते हो कि हाँ यार सही बोल रहा है। कोई आपसे बोल दे कि आपकी जो नाक है थोड़ी लंबी सी है, अब तुम उसको 6 बार देखोगे लंबी है, अब काट तो सकते नहीं। कोई बोले तुम्हारी आंखें छोटी हैं, अच्छा तो क्या कर सकते, उसको खींच थोड़ा ना सकते। कोई बोले तुम इतने गोरे नहीं हो, तुम्हारे फीचर्स अच्छे नहीं हैं, तो आप घर के आईने में खड़े होकर साइड पोस्ट से देखते हो, हाँ यार सही कह रहा है। यही आपकी कमी है, क्योंकि आपने अपने आप को वैसा मान लिया। भारत की राष्ट्रपति कौन है?
भले ही सुंदर ना हो लेकिन गुण थे, पुण्य था, तब तो उतनी ऊपर गई हो। तो कोई आपके बारे में अगर कुछ भी कह रहा हो तब भी आप अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हो, तब समझना कि आप कॉन्फिडेंट हैं। और मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों को झेलते रहें, जब लोग आपके विपरीत बोलें, लोग आपकी क्रिटिसाइज करें, तब भी आप मुस्करा करके चलें, तब कुछ बात है, वो कहलाता है आत्मविश्वास। मैं कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है, मैं ही कर सकता हूँ, ये तो अहंकार है। मैं कर सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? और मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, ये आत्मविश्वास है, मैं ही करूँगा, ये अहंकार है। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की ओर आएं। मेरा मानना है कि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की चाबी है। जो आपका आत्मविश्वास है वो आपकी सफलता की चाबी। हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें आईं और गईं। कई बार मैंने ये चीज़ एग्जामिन की कि मैंने उन शब्दों को, उस व्यक्ति को अपने जीवन का निर्णय लेने वाला छोड़ दिया, बना लिया। मेरे से किसी ने कहा कि तुम सुंदर नहीं लगते हो, तो 2003 से लेकर 2008 तक, ये 5 साल, 365 दिन एक साल में होते हैं और एक घंटे में 24 घंटे होते हैं। मैंने अपने आप को यही मान लिया कि यार मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। अरे उसकी नज़र से नहीं हूँ ना, लेकिन हूँ तो। लेकिन ये बात मैं भूल गया, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, ये बात मैं भूल गया और उसके शब्दों को मैंने यही मान लिया बस। अब जब मैं कुछ भी कपड़े भी खरीदने जाऊँ तो मैं यही सोचता था, यार ले तो लो लेकिन तुम सुंदर तो हो ही नहीं। तो फिर कहीं कपड़े भी लेने में जाता था, मैंने कोई भी दे दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, सुंदर तो अपन लगते ही नहीं। फिर गुरुजी मिले, गुरुजी ने कहा कि अगर तुम मुनि बन जाओगे तो बहुत सुंदर लगोगे। मैं घर गया, मेरे रूम में आईना लगा था 7 फिट का, मैंने कपड़े उतारे, मैंने आईने में देखा, मैंने यार सुंदर लग रहे हैं अपन महाराज बनेंगे तो सुंदर लगेंगे, क्योंकि किसी ने मुझसे कह दिया कि तुम सुंदर लगते हो। अरे शरीर की सुंदरता से आपके अंदर की सुंदरता कोई संबंध नहीं है, और वो किसी ने बोल दिया, आपने उसको सही मान लिया और आपका कॉन्फिडेंस लूज। क्या तुमने साल भर से पढ़ाई करी है? नहीं करी, ओह अब तो तुम नहीं हो पाओगे, इस बार तो बहुत टफ पेपर है, वहीं विड्रॉ, चलो छोड़ो यार घर चलते हैं। अरे ये क्यों, ऐसा क्यों? कोई कहता है कि पिच खराब है, कोई कहता है बुक का सिलेबस हार्ड है, कुछ कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है। कोई क्रिकेट की पिच खराब नहीं है, खेल खिलाड़ी में होता है, पिच में नहीं होता। कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ है उसको बहुत इजीली हासिल कर सकते हो। फिर से कहता हूँ, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की चाबी है। जितना आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा आप सब कर सकते हो। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में 20 किलोमीटर चलना नंगे पैर एक बार भोजन करके, सब मना कर देंगे, लेकिन जो आत्मविश्वास में जी रहे हैं वो चलते हैं, चल के दिखाते हैं, यही आत्मविश्वास है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, हाउ टू बिल्ड अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये मेन चीज़ है। आप इतना समझ लें कि आपके पास आत्मविश्वास की कमी है। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं लेकिन सफल नहीं होते क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है। पहले ही वो सोच लेता है, यार कपड़े की दुकान खोलना है और इस मार्केट में 150 कपड़े की दुकान पहले से ही है, और 150 लोगों की कपड़े की दुकान है और किसी की 50 साल, किसी की 100 साल पुरानी है, अपने को कौन पूछेगा? जब तुम ही को वो लग रहा है कि कौन पूछेगा तो अब कोई नहीं पूछेगा। वहाँ ये सोचें कि हम उन 150 के जो 150 लोग हैं उससे अच्छा करके दिखाएंगे। हर बिजनेस में एक रिसेशन आता है, देखना आप, उस समय बिजनेस डाउन होता है और सब लोग माइग्रेट करते हैं, जो आखिर तक डटा रहता है वो पैसा कमाता है। जैसे मार्बल का काम है, बोले अब यार पत्थर निकलना बंद हो गया है, तो ठीक है
बंद हो गया, ठीक है बंद हो गया, बोले टाइल्स चलने लगे, धीरज रखो ये चक्र है प्रकृति का, लौट के फिर आएगा। जब सभी लोग छोड़ छोड़ कर जाए तुम डटे रहना, क्योंकि सब तो बंद कर रहे हैं, तुम अकेले रहोगे मार्केट तो तुम किंग रहोगे। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इसके लिए आपको तैयारी करके रखना चाहिए कि जैसे कोई नया बिजनेस भी ऑन कर रहा हो तो पहले वो अपने घर में 365 दिन का दाल चावल गेहूं तेल घी दूध बच्चों की फीस खर्चा सब निकाल के एक तरफ रख दे। कितने दिन का? एक साल का 365 दिन का एक खर्चा है, रख दे टेबल पर और सुकून से बैठ जाए। एक हफ्ते की छुट्टी तीर्थ यात्रा चिल्ड। अब हमारे पास एक हफ्ते चले गए, 358 दिन बचे हैं, अब काम करना है। उन 358 दिन में एक दिन तो सफल हो गए, और जिस दिन सफल हो गए उस दिन वापस गाड़ी का जोर मारेगा, क्योंकि अपने पास 365 दिन का बैकअप तो है ही। 365 भूखे तो मरोगे नहीं 365 दिन में आप। तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की टेक्निक है। और एक कहता हूँ कि जो बैकफायर होती है ना, बैकफायर उसका निग्लेक्शन करना चाहिए। जो पीठ पीछे आपके बातें होती ना उसको निग्लेक्ट जितना करोगे उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। निग्लेक्शन होना चाहिए, निग्लेक्शन किसका? बैकफायर का निग्लेक्शन। जो पीठ पीछे बोल रहा हो उसको सुनने की जरूरत नहीं है, वो चाहता है कि तुम झुको तुम गिरो फिर भी तुम डटे रहो। कहना उसका काम है, सहना मेरा काम है। मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, जब कोई आपकी पीठ पीछे कुछ कहे तो दो लाइन जरूर गुनगुनाना कि कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते और कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या सह जाते। ये लाइनें दोहराना, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अपन बहुत मजबूत आदमी, अपन सह गए। एक बहुत बड़ी नीति है। इसके अलावा जब कोई पीठ पीछे कहे तो ये मानना कि वो आपके लिए सीढ़ी है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए सीढ़ी है। क्या है वो? स्टेप्स हैं। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। किसी ने आपके घर में ईंट फेंकी तो आप उसी घर में पत्थर फेंकने जाओगे? उस ईंट को संभाल के रखो, घर में काम आएगी। बैकफायर जो आपके लिए हो रही है उसको निग्लेक्ट करो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बिल्ड होगा। अपन उन शब्दों में व्यथित हो जाते हैं, गुथ जाते हैं और अपन सोचते हैं कि बस अब तो जिंदगी खत्म, अब कुछ है ही नहीं। कोरोना हुआ था, कोरोना तो जिसको बोल दिया गया कोरोना हो गया, आधा तो वहीं मर गया वो। फिर उसको लिटाया गया जनरल वार्ड में। जब जनरल वार्ड में लिटाया गया तो 20 लोग एक साथ लेटे, सुबह उस तरफ के 3 गए, शाम को उस तरफ के 3 गए। वो सोचता है कि यार ऑल्टरनेट जा रहे हैं, एक छोड़ एक जा रहा है, अपन तो 11वें नंबर पे, अपना भी नंबर आएगा। ये क्यों सोच रहे हो? और ऊपर से न्यूज आ गई कि मरने का रेट बढ़ा तो आदमी तपन तो गए। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरी माँ को कोरोना हो गया महाराज जी, लेकिन उनको पिछले 36 साल से अस्थमा है, अब आप बताओ क्या करें। मैंने कहा उनसे बिल्कुल मत बोलो कि कोरोना हुआ है, ना मास्क लगाओ आप ना वो, तुमको होगा तो तुम भी ठीक हो जाना, लेकिन तुम दिमाग से निकाल दो उनको कोरोना हुआ है। अगर तुमने उनसे बोल दिया कि आपको कोरोना हो गया है तो रोना पड़ेगा, मरने के लिए तैयार। उनके मन में आ जाएगा कि अपन तो मरने वाले हैं, उनको बताया ही नहीं, ठीक हो गए अभी तक नहीं बताया कि कोरोना हुआ था, क्योंकि वो अंदर अंदर चीज़ों को अपन रख लेते। ये जो बैक फायर होता है उसके लिए कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ आती है कि अच्छे दिनों को याद करें। जब भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो तो क्या करें? अच्छे दिनों को याद करें। हाँ यार वो क्या दिन था, वो दिन जो आपने खुल के जिया हो, आप जीते हो, या कोई ऐसा मैच क्रिकेट का या ऐसे कोई फिल्म जो आपको बार बार देखना पसंद हो उसको देखो। जब एकदम से 10 बॉल में 50 रन बनाए हो एक खिलाड़ी ने, उस मैच को देखो, कॉन्फिडेंस आपको आएगा, खुशी मिलेगी। उस दिन को याद करें जो दिन आपका सबसे यादगार दिन था, जिस दिन आपने कोई जीत हासिल करी हो, अच्छे दिनों को याद करें, फिर देखना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। मैं एग्जामिनेशन हॉल में था और एक लड़का, उसने भी सोचा कि इस बार मैं बहुत लिखूंगा, सबसे ज़्यादा मैं ही लिखता था,
तो उसने लिखा, मैंने छह शीट ली और उस लड़के ने 8 शीट ली। मैंने ये नहीं सोचा कि वो टॉप करेगा, मैंने ये सोचा कोई बात नहीं, इस बार वो यूनिवर्सिटी कर लेगा, अपन तो कॉलेज में तो करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अपन ने इतने दिन तो किया है, 49% वाले के यूनिवर्सिटी टॉप की बहुत बड़ी बात है, एक में नहीं हुए तो नहीं हुए, कोई बात नहीं, मैंने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। जब कॉपी चेक हुई, एग्जामिनेशन की बारी आई, तो भाई ज़्यादा लिखने से क्या होता है, देखे भी तो क्या लिखा है, उसके 40 out of 12, 13, 14 ऐसे नंबर आए, मेरे 32, 35, 30 यही नंबर आए। टॉप तो मैंने ही किया था, लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया कि यार अपन एक बार तो कर ले, चलो इस बार ये मौका मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, ये कर लेगा, अच्छे दिनों को याद करें। दूसरी बात करें, अपने लक्ष्य को बार बार बोलते रहें, दोहराते रहें, खुद से, दूसरों से, अपने आप से, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आपने ये निर्णय क्यों किया है, व्यापार किया है, मुनि बने हैं, आपने संयम धारण किया है, चायत धारण किया, क्यों किया है, अपने लक्ष्य को समाधि करना है, अपने लक्ष्य को दोहराते रहेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और छोटी छोटी चीज़ों को करते रहें जो लाभ देती हो, खुशी देती हो, जो चीज़ें आपको खुशी देती हो, छोटी छोटी चीज़ें करते रहें। जैसे किसी बच्चे को नमोकार याद कराना आपको अच्छा लगता है, उसको याद कराते रहें, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को करने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप व्यापारी हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट करते रहें, बहुत छोटे छोटे, भले 500 रुपये बचे, 100 रुपये बचे, लेकिन करते रहें, छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि यार चलो यार पैसा तो आ रहा है। और एक बात और कहता हूँ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से आपका कॉन्फिडेंस बन के रहेगा। वो चीज़ें पढ़ें जो केवल पॉजिटिव हो। जिन जिन ने कोरोना के समय न्यूज़ देखी है, उनको बीपी, शुगर, ये सब बीमारियां चिपक गई, और जिन्होंने सीरीज देखी है वो जिंदा है, मस्त हैं, क्यों, अरे आज मरने, अच्छा वो न्यूज़ के चैनल में किनारे एक पट्टी रहती थी, 17,03,225, अचानक आंकड़ा बढ़ा 18,03,225, 1,00,000 लोग मर गए आज, हे भगवान, वहीं उसका आधा मरण तो हो ही गया। पॉजिटिविटी रखेंगे, पॉजिटिव चीज़ देखेंगे तो आपके लिए सभी चीज़ें बहुत अच्छी पॉजिटिव रहेंगी। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव लोगों को सुने, पॉजिटिव लोगों को देखते रहें, ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बढ़ेगा। बस ऊंचे आकाश को देखते रहें कि वो मेरा लक्ष्य है, मुझे वहाँ तक जाना है, मुझे वो छूना है, मुझे वो प्राप्त करना है। अपने लक्ष्य के बारे में चिंतन करते रहें, सिर्फ और सिर्फ 100% नहीं 1000% पॉजिटिव रहें, अपनी कमी को अपनी खूबी बना लें। फिर से कहता हूँ, अपनी कमी को अपनी खूबी बना लें, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। दूसरों की नज़रअंदाजगी से अपने आत्मविश्वास को नज़रअंदाज ना करें। कोई आपको निग्लेक्ट कर रहा है, करने दो, वो उसकी इच्छा है, मैं तो मैं हूँ। अगर आप पका हुआ फल आम का पेड़ में लगाए, नहीं भी खाओ तो आम के पेड़ को फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि आम तो मेरे ही पास है। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें तो एक दिन आप ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की।